नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और खास बात में आज बात होगी हिंदुस्तान की एक उस सबसे बड़ी बात पर जिसमें लंबे समय से किसान परेशान थे। हिंदुस्तान के किसानों ने अपना एक आंदोलन छेड़ा हुआ था मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ और उनकी नीतियों के खिलाफ। और आज सुबह देश के किसानों को एक बहुत राहत भरी उनको एक उम्मीद नजर आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक संबोधन में ये ऐलान किया कि जो तीन कृषि कानून उन्होंने लागू किए थे उन्हें वापस ले लिया जाएगा। और आपको बताएं कि इन तीनों कानूनों को किसानों ने काला कानून का नाम दिया था। आखिर किस तरह की रहेगी अब आगे की रणनीति और प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद क्या सोचते हैं देश के किसान, इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़े हैं किसान नेता रामपाल जाट साहब। रामपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम राम प्रदीप जी। तो शुरू में क्या हम यही कहें कि आज बहुत खुश होंगे आप? निश्चित रूप से किसानों के लंबे संघर्ष की बड़ी जीत है जी। एक अहंकार टूटा जी और किसानों का स्वाभिमान ये जीता, इसलिए ये खुशी का अवसर है। और ये भी खुशी गुरु पर्व पर और देव दीपावली का अवसर पर, तो शुभ अवसर। वापसी से हम 4 जून 2020 की स्थिति में पहुंच के हम तो उस दिन भी लड़ाई लड़ रहे। हमारी लड़ाई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के संबंध में 2010 से चल रही है। तो 2010 से जो लड़ाई चल रही है दूधू से, जयपुर जिले में दूधू से शुरू हुई और ये देशव्यापी बन गई, वो अभी अधूरी है। इसलिए वो भी पूरी हो और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे, इस और आगे बढ़ेंगे, हम तो ये अपेक्षा करेंगे कि चाहेंगे कि जैसे बड़ा दिल करके सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने ये तीन कानूनों की वापसी की घोषणा की, उसी ढंग से वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून के लिए भी घोषणा करें। और ये तो वैसे भी यूँ भी उचित है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में, जब इनको भारत सरकार ने एक कमेटी का चेयरमैन बनाया, उस कमेटी के चेयरमैन के रूप में इन्होंने बहुत स्पष्ट अनुशंसा की थी कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तभी मिल सकता है जब उनके लिए कानून बनाया जाए। खुद की अनुशंसा को खुद ही यदि और लागू करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, ये पूरे देश के लिए शुभ रहेगा, पूरे देश की समृद्धि के लिए ये अपरिहार्य रहेगा। इसलिए इस और भी सरकार कदम बढ़ाए, बड़ा दिल करे और बड़ा दिल करके ये काम करे। तो सर, ये जो लगभग एक साल से ज्यादा का जो वक्त आप लोगों ने गुजारा, तमाम देश के किसानों ने जो सड़कों पर रात और दिन गुजारे, ना मौसम की परवाह की, ना किसी तरह की चेतावनियों की परवाह की, उसके बाद क्या लगता है कि 14 महीने बाद एक बड़ी जीत हुई है किसानों की? निश्चित रूप से ये किसानों का जो लंबा संघर्ष है उसी की जीत है जी। वरना हम तो 14 जून को पहला पत्र लिखा, 21 जुलाई को दूसरा पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, 17 सितंबर उस पत्र के आधार पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब से कृषि भवन नई दिल्ली में 2.5 घंटे की वार्ता हुई, तभी उनको हमने यही आग्रह किया था कि हम तीन कानून को वापस ले और न्यूनतम समर्थन देने के लिए आप खरीद की गारंटी का कानून बनाएं, उसका प्रारूप भी दिया था। तो उस और यदि उस समय हो जाता ये तो किसानों को न सर्दी झेलने की जरूरत थी, न गर्मी झेलने की जरूरत थी, न बरसात में पड़े रहने की जरूरत थी, न सड़क पर डेरा लगाने की जरूरत थी, लेकिन किसी को परेशान होने की जरूरत थी जी। लेकिन यहाँ पर अब आप देखिए, इस लगभग एक साल से ज्यादा के वक्त के दौरान किसानों को काफी मुश्किलों के साथ साथ कई किसानों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, आंदोलन के अलग अलग रंग भी नजर आए यहाँ पर। लेकिन अब जब एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान कर दिया, लेकिन अभी भी शायद ये कहीं शक शुभ वाली कोई बात है कि टिके साहब ने भी ये चीज कहा है कि जब तक संसद में इसे रद्द नहीं किया जाएगा वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री कोई भी घोषणा करते हैं वो व्यक्ति की घोषणा नहीं होती जी, वो संस्था के प्रधान के नाते घोषणा होती है बिल्कुल। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसी महीने में
संसद सत्र में इन तीनों कानूनों को वापस लेने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, तो फिर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। कि हमें पूरा विश्वास है, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, ये इसी महीने के इसी संसद सत्र में सबसे पहले इनकी वापसी के संबंध में विधेयक आ जाएगा और तीनों कानून वापस हो जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल ये कि क्या अब जब इस ऐलान के बाद जो भी बॉर्डर्स पर, दिल्ली के आसपास के बॉर्डर्स पर जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, जो जमावड़ा जो चल रहा है, क्या वो खत्म होगा या नहीं? देश का किसान इसको अपने संघर्ष की जीत मानता है और संघर्ष के कई आयाम होते हैं, कई चरण होते हैं। इसलिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये जो आंदोलन है इसके बारे में अब सड़क पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे हमने कहा कि अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन हम प्रतीक्षा करेंगे सरकार की कि जैसे इसके बारे में उन्होंने घोषणा की उसके बारे में अच्छी घोषणा कर दे। तो किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई में क्यों शामिल होना पड़े, इसलिए किसान कमाई करे, लड़ाई की उसको आवश्यकता नहीं रहे, इसके लिए सरकार किसानों को आश्वस्त करे। यानी उन्हें अपने खेतों की ओर लौट जाना चाहिए और अपनी जो जो फसलों की तरफ है अब उस पर ध्यान देना चाहिए। सवाल रामपाल जी एक यहाँ पर ये कि हाल ही में अगले 2-3 महीने बाद यूपी में और पंजाब में इलेक्शन भी है, तो इस जब आप पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं तब तक सरकार ने नहीं सुनी और अब अचानक आज इस बात का ऐलान किया गया, तो क्या कहीं इसके कोई सियासी मायने भी जोड़कर देखे थे? प्रदीप जी, जो राजनीतिक दल है वो राजनीतिक बात नहीं करेंगे तो धार्मिक ग्रंथ थोड़ी पढ़ेंगे वो जी। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल यदि राजनीति की बात करे तो उसके उचित ही है। हम तो ये कहेंगे कोई किसी भी कारण से करे, चाहे सात्विक भाव से करे, चाहे राष्ट्रीय भाव से करे, चाहे तामसी भाव से करे, चाहे दबाव में करे, चाहे स्वेच्छा करे, यदि कोई अच्छा काम हुआ है तो अच्छा हुआ है, इसलिए हम तो उसको अच्छा ही मानेंगे। इसलिए किसी भी कारण से उन्होंने किया हो, और चुनाव तो सभी को लड़ने हैं, हम तो ये कहते हैं कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना है क्या? बिल्कुल, वो भी काम करते ना अपने अपने प्रदेशों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून वो भी बना सकते हैं, वो बना दे। इसलिए किसने किसको मना किया है? तो केवल आरोप प्रत्यारोप करना, एक दूसरे को लांछित करना, एक दूसरे की निंदा करके राज में आना, ये जो टैक्टिक्स चल रही है राजनीति की, ये बंद होनी चाहिए। तो निंदा आधारित राजनीति बंद हो, सकारात्मक राजनीति शुरू हो। बिल्कुल, सकारात्मक राजनीति शुरू हो। और सबसे बड़ी चीज आपने सीधे तौर पर कहा कि किसानों का एक बड़ा जो संघर्ष है उसकी यहाँ पर जीत हुई है, और आप सभी को अब ये उम्मीद है कि जब सरकार ने, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी का ऐलान नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री का ये ऐलान है, और आने वाले टाइम में अब तस्वीरें कैसी होती हैं, किसानों को कितनी राहत मिल पाती है, देखने वाली बात यही होगी। रामपाल जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद प्रदीप जी।